नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज विद टी। उमर अब्दुल्ला ने की गवर्नर से मुलाकात, राज्य के हालातों पर हुई चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात कर हालिया हालातों पर चर्चा की। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने गवर्नर से राज्य के बारे में चर्चा की। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने की खबर केवल अफवाह है। गवर्नर ने हमें बताया कि अनुच्छेद 370 को लेकर किसी ऐलान की तैयारी नहीं की जा रही है, न ही अनुच्छेद 35A से कोई छेड़छाड़ की जाएगी। अमरनाथ यात्रियों का घाटी से लौटना शुरू, श्रीनगर एयरपोर्ट पर फंसे लोग। भारत सरकार के अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर घूमने गए पर्यटकों को लौटने के आदेश जारी होने के बाद अमरनाथ यात्रियों का वापस लौटना जारी है। यात्रियों के लौटने से अमरनाथ बेस कैंप खाली हो गया है। भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के लौटने से श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी लोग फंसे हुए हैं। सांसदों को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, पीएम मोदी ने किया सत्र का शुभारंभ। बीजेपी का लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम अभ्यास वर्ग शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। सांसदों को रात के 8 बजे तक विभिन्न सेशन में ट्रेनिंग दी जाएगी। सेशन के अंत में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सांसदों को संबोधित करेंगे। उन्नाव जिला प्रशासन ने रद्द किए आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के हथियारों के लाइसेंस। उन्नाव कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के 3 हथियारों का लाइसेंस उन्नाव जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है। सेंगर के नाम पर एक बंदूक, एक राइफल और एक रिवॉल्वर का लाइसेंस जारी किया हुआ है। जिला अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे ने इस प्रकरण की सुनवाई की थी, जिसमें विधायक के पक्ष के वकील नहीं पहुंचे। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़, 7 माओवादी को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। पुलिस उप महानिरीक्षक सुंदर राज ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे बाघन नदी पुलिस थाने के अंतर्गत सीतागोटा गांव के जंगल में उस समय मुठभेड़ हुई जब जिला रिजर्व गार्ड की टीम नक्सल रोधी अभियान के लिए जा रही थी। अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं, तलाश अभियान जारी है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।